फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज़ गुड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही यूज़फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसका नाम है मोलेसेस। ये बेकिंग, कैंडी मेकिंग, बारबेक्यू सॉस और कई तरह के सॉसेस बनाने में यूज़ किया जाता है। आज मैं इसे घर पर ही शुगर केन जूस से बनाकर तैयार कर रही हूं। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो घर पर मोलेसेस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी गन्ने की या शुगर केन की। यहाँ पर ये मैंने दो गन्ने पूरे बड़े बड़े इस तरीके से छील लिए हैं और इसको अब हम कट करेंगे। तो गाइज, ये बहुत टफ जॉब है, इसको घर पे छीलना और इसे घर पे ही कट करना, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर आपको जूस मिल जाता है तो आप उसे ले लीजिए और आसानी से फिर उससे हम मोलेसेस बना सकते हैं। मुझे एक्चुअली जिस दिन जूस मिल रहा था उस दिन मैं घर पे बनाने के लिए मेरे को मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शुगर केन ले लेती हूँ और मैं घर पे कट करके इसका जूस निकाल लूंगी। बट रियली इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। आप इसे जूस से ही डायरेक्टली प्रिपेयर कीजिए, घर पे जूस बनाने की दिक्कत मत करिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे को इस जो मॉर्टर पेस्टल होता है उससे मेरे को दबा दबा के इसको कट करना पड़ रहा है और छीलने में भी बहुत दिक्कत होती है घर में। तो इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पहले पीसेस कर लेने हैं ताकि हम इसको मिक्सी में पीस के इसका जूस निकाल सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से जब मैं पीसेस कर रही हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ रही है। पता नहीं मुझे इस वीडियो में ये शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर शेयर के बगैर मन भी नहीं मान रहा है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी, जिन्हें हम बब्बा कहते थे, वो तहसीलदार हुआ करते थे। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस टाइम में और उनके खुद के सारे काम दूसरे करके उन्हें देते थे। पर वो मुझे इतना ज़्यादा चाहते थे कि जब भी मतलब घर पर गन्ने आते थे तो वो घर खुद बैठ जाते थे और चाकू से या हंसी से छील छील के इसी तरीके से सेम पीसेस छोटे छोटे करके मुझे खाने के लिए देते थे। तो आज बहुत सालों बाद इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में गन्ना कट करते हुए मुझे मेरे दादाजी की याद हो आई। एनीवे, इस तरीके से बात करते करते देखिए, ये सारे पीसेस मैंने कट कर लेने हैं धीरे धीरे करके। और ये सारे पीसेस कट हो गए हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े पीसेस मत करिएगा, वरना जो मिक्सी का ब्लेड है वो ख़राब होने का चांस है, क्योंकि हमको इसको मिक्सी में पीसना है और इसका जूस बनाकर रेडी करना है। तो अब इन पीसेस को हम मिक्सी के पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मीडियम साइज़ वाला हमें पॉट लेना है और इसमें ये सारा का सारा गन्ना हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, दो बैच में इसको करूँगी क्योंकि गन्ना ज़्यादा है। और अब इसको मैंने इसमें पीस लेना है। तो पीस चुका है, अब इसको हमको छानना है। तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया, स्ट्रेनर के ऊपर इस तरीके का एक मशीन फ्लोर डाला, आप कोई रुमाल वगैरह भी ले सकते हैं। और इसमें ये जो पिसा हुआ हमारा गन्ना है इसको हम डालेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरा सा बारीक पिस चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, आसानी से ही पिस जाता है ये। और इसको मैंने इसमें डाला और जिस तरीके से हम पानी निचोड़ते हैं या पनीर का पानी या किसी भी चीज़ का पानी, छेने का पानी, उसी तरीके से अब कड़े हाथ से हम इसको निचोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें बहुत ताकत लगाई, बहुत कोशिश की, पर ड्रॉप ड्रॉप करके ही पानी निकल रहा है, गन्ने का रस निकल रहा है, इसमें से बहुत ज़्यादा गन्ना नहीं निकल के आया। तो मतलब यहाँ पर हमारा गन्ने का रस घर पे निकालना बिल्कुल फेल रेसिपी है। गन्ना का रस घर पे निकालना बहुत मुश्किल है। इसको मैंने फिर कपड़ा हटाया, कपड़े को हटा के भी मैंने डायरेक्ट स्ट्रेनर में इस तरीके से निचोड़ के गन्ना रस निकालने की कोशिश की, पर वो भी बहुत ही मुश्किल काम है, उसमें भी एक दो चम्मच से ज़्यादा नहीं निकला। एक्चुअली उनके बड़ी मशीन रहती है जो गन्ना जूस वाले रहते हैं, वहाँ बहुत आसानी से गन्ना रस निकल जाता है, पर घर में मिक्सी से बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इतनी देर तक उसको काटा, छीला और पीसा, सब कुछ किया, पर उससे कोई मतलब नहीं हुआ। ये देखिए, सिर्फ 5 से 6 चम्मच गन्ने का रस निकल के आया है। गन्ने का रस ना निकलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि ये हमने ऑफ सीज़न गन्ने का रस निकाला है। समर सीज़न में अगर गन्ने का रस निकालेंगे घर पे तो हो सकता है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, जूसी गन्ने आते होंगे उस टाइम में। एनीवे, वो नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे। तो ये रेसिपी तो फेल हो गई। दूसरी दिन मैंने क्या किया कि मार्केट से गन्ना रस मंगवाया 2 ग्लास और इसको एक हैवी बॉटम पैन में डाला और फिर इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसको हमको रिड्यूस करना है तो बीच बीच में चलाते जाइएगा और अगर आपके गन्ने में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है तो उसको अलग करते जाइएगा। तो ये देखिए, करीब 15-20 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए, कलर डार्क हो गया है और इसको मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और इसी तरीके से हमको चलाते हुए इसको आगे और पकाना है, काफ़ी अच्छा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसके बाद लगभग
30 से 35 मिनट हो चुके हैं इसको, और ये देखिए कितना डार्क कलर हो गया है और काफ़ी कम हो गया, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और इस तरीके से जब मैं गिरा रही हूँ इसको तो ये नीचे बिल्कुल डार्क कलर का लिक्विड गिर रहा है। तो अभी इसमें और थोड़ी सी कसर रह गई है, इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हमको और पकाना पड़ेगा। पर इस समय अब बिल्कुल लगातार चलाते रहना, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम ही रखना है। और ये देखिए इसको चलाते चलाते अब इसको जब मैं इसमें से गिरा रही हूँ तो यहाँ पर जो पहले लिक्विड ब्राउन लिक्विड गिर रहा था अब यहाँ पर झाग ही झाग गिर रहा है। ये देखिए जो बबल्स हैं वही गिर रहे हैं नीचे, तो ये इंडिकेशन होता है कि ये पूरा पक चुका है। तो पहले ब्राउन लिक्विड गिर रहा था और अब इस तरीके से गिराने से इसका झाग ही गिर रहा है, इतना झाग हो गया है। तो अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अभी भी लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि बहुत गर्म है पैन और नीचे से लगने का डर है। अभी बहुत लिक्विडी है ये, जब ठंडा होगा तब ये काफ़ी गाढ़ा सा हो जाएगा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी इसी तरीके से हमको चलाते चलाते इसको ठंडा करना है। आप चाहें तो गैस के बर्नर पे से हटा दीजिए और फिर थोड़ा सा चला के ठंडा कर लीजिए, और ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी सूखी बॉटल में भर के रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से स्टोर करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन या 1 महीना तक बाहर, और फ्रिज में रख दीजिए तो आराम से 3 से 4 महीना इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेसिपी है, इसका बेकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और देखिए कितनी आसानी से घर पे ये बनकर तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। हालांकि मेरा मेहनत का काम हो गया है क्योंकि मैंने घर पे शुगर केन से ही डायरेक्ट जूस बना के ट्राई करने की कोशिश की थी। आप मार्केट से शुगर केन जूस लेके आइए और उसे घर पे बनाइए, तो ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।